फ्रेंड्स, शुड यू बाय द करिश्मा एक्सएम आर 2023 मॉडल ओवर पल्सर आर एस 200 और R15? ये सवाल सबके मन में उठ रहा है। हम सब देख रहे हैं, जब गाड़ी लॉन्च हुई है हीरो की, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ इन्होंने लॉन्च किया गाड़ी को। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको गाड़ी के बारे में बताना चाहूँगा बिफोर यू बुक द बाइक। सो वीडियो थोड़ा सा डिटेल में मैं शेयर करूँगा आपके साथ, क्योंकि मैं करिश्मा ओनर रहा हूँ। मेरे पास मतलब हमारे घर में लगभग दो करिश्मा रही हैं। ये एक 2012 मॉडल है, एक 2009 मॉडल मेरे पास करिश्मा है, जो कि बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में हम लोगों ने रखी हुई है। तो मैं काफ़ी समय से जो गाड़ी को यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स मैंने देखे हुए हैं गाड़ी के, और उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि नई वाली गाड़ी जो इन्होंने लॉन्च की है वो कहाँ तक मतलब जस्टिफाइड है, मतलब अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। हालांकि देखा जाए तो R15 के से भी इसका प्राइस बहुत कम रखा गया है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं हूं शाहिन, आप देख रहे हैं फाल्कन विंग्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, करिश्मा की डिटेल जानने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गूगल ओपन करके उस पर हीरो मोटोकॉर्प की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा करके देख सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मैं वहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जिसे देख करके आप समझ पाएंगे कि इसमें कुछ कुछ जो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स कंपनी की तरफ से रह गई हैं, जो मतलब कमी रह गई, मिस्टेक्स आप नहीं बोल सकते, कुछ कमियाँ रह गई हैं, अगर कंपनी उसको इम्प्रूव कर दे तो ये मतलब एक प्रीमियम प्रोडक्ट हमें इस प्राइस पॉइंट पे, या अगर प्राइस बढ़ती भी मान लीजिए तो भी ये मतलब वैल्यू फॉर मनी एक प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ओपन कीजिएगा तो ये देखिए आपका ये जो पेज आप ओपन होगा हीरो मोटोकॉर्प का, तो चूँकि ये न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है तो ये सबसे पहले आपको करिश्मा एक्सएम आर दिख जाता है यहाँ पर। आइए हम लोग कुछ डिटेल्स इसकी चेक कर लेते हैं। जैसे आप नो मोर पे क्लिक करेंगे तो इसके सारे पावर फिगर्स वगैरह और स्पेसिफिकेशन वगैरह आपको यहाँ से दिख जाएंगे। मैं फ़िलहाल स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करूँगा अभी, मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आपको वो बताऊँगा कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो सबसे पहले हमें क्लिक कर लेना है एक्सप्लोर 360 डिग्री पर, और ये एक्सप्लोर 360 जो आपको दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर लें। उसके बाद इसे पूरा लोड होने दें, और यहाँ 3D इमेज की मदद से मैं आपको बतला पाऊँगा कि इसमें क्या क्या जो कुछ मुझे फॉल्ट दिखा है, जो मतलब फॉल्ट आप नहीं कह सकते, कुछ इम्प्रूवमेंट की कमी है, कुछ और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, तो वो चीज़ को हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पर देखिए जैसा कि तीन कलर है, टर्बो रेड है, आइकॉनिक येलो है और मैट फैंटम ब्लैक है। तो हम लोग येलो वाले कलर को ही सिलेक्ट करते हैं जो काफ़ी पॉपुलर है, और उससे ही हम लोग आगे देखेंगे कि क्या कुछ इन लोगों ने बना करके हमें दिया है। ये दिया गया है कि हम लोग इसे 360 डिग्री व्यू में देख सकते हैं, तो इसे आप स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कहीं भी घुमा करके देख सकते हैं कि किस तरह का डिज़ाइन इन लोगों ने बना करके दिया है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। फ्रंट से तो काफ़ी अग्रेसिव लुक है, आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और इनका जो हेडलाइट का जो डिज़ाइन है, जो DRL इन्होंने बनाया है, इनका कहना है कि मतलब ये एच शेप में डिज़ाइन, लेकिन मुझे ये थोड़ा एक्स शेप में डिज़ाइन लगता है, जो कि अच्छा है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। मतलब अभी तक आप किसी भी बाइक में इस तरह का जो DRL है वो आपको देखने को नहीं मिलता। और ये जो कर्व आप देख रहे हैं, ये जो लाइन वाइजर की जो लाइन है कर्व शेप में, ये आपको करिश्मा आर यानी जो पहला वाला वर्जन था करिश्मा का और करिश्मा आर वाला का, तो उसकी याद दिलाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमें थोड़ी बहुत झलक करिश्मा की इसमें देखने को मिली है। और फ्रंट से आपको मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो देखिए कि देखिए शुरू से क्या रहा ना कि करिश्मा की जो बॉडी पैनल्स थे वो बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत नहीं आप बोल सकते। एक तो अंदर इन लोगों ने कहीं पर भी जो ब्रैकेटिंग होती है, जो एक मेटल के पार्ट पे ब्रैकेट रहता है और उस पर वाइजर टाइट रहता है, तो उस तरह का कुछ सिस्टम इन लोगों ने अच्छा डेवलप नहीं किया था। अब इसमें देखिए यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा आपको 3D इमेज में, लेकिन आप ओरिजिनल करिश्मा देखेंगे तो यहाँ पर दो स्क्रूज टाइट किए हुए हैं, तो ये दो स्क्रू सामने से विजिबल होते हैं, जो कि देखने में काफ़ी मतलब ऑड लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि इतना प्रीमियम प्रोडक्ट है आपके स्क्रू सामने से विजिबल है। ये गाड़ी का फ्रंट लुक है मेन चीज़ जो गाड़ी की है, तो वहाँ पे ये इन लोगों को कुछ ऐसा डिज़ाइन यामा की तरह से बनाना चाहिए था कि वो रिवर्स इंक्लाइंड रहता तो वो बोल्ट्स जो है, जो स्क्रूज जो हैं वो नज़र नहीं आते। एक चीज़ मुझे ये कमी लगी इसमें कि इन लोगों को करना चाहिए था, जब पुरानी वाली करिश्मा थी तो आपने देखा होगा जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है, तो रजिस्ट्रेशन प्लेट यहाँ नीचे टाइट रहती थी हेडलाइट के नीचे में, तो वहाँ पर का जो हिस्सा था वो छिप जाता था उससे, तो वो पता नहीं चलता था कि अंदर वायर्स वगैरह दिख रही हैं या फिर आपके स्क्रूज़ या बोल्ट्स दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें लोग इसमें भी कर सकते थे, अब या नहीं किया है तो उनको डिज़ाइन ऐसा बनाना चाहिए था कि स्क्रूज़ नहीं दिखे। आगे वाले जो वाइज़र है उसी की तरह जो आपका रियर वाइज़र जो है, जो सीट का रियर सीट कॉल आप बोल सकते हैं या वाइज़र, इसमें भी देखिए जो स्क्रूज़ हैं वो विजिबल है। इवन आपकी पुरानी वाली जो 2003 वाली मॉडल थी उसमें अगर आपको याद होगा तो इतना बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने ये स्क्रूज़ को दिया था कि कहीं से भी वो विजिबल नहीं थे, वो बड़ा मतलब अच्छा डिज़ाइन था।
दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टैंक पे आप पैड देख रहे हैं, जो टैंक का ये लोगों ने कवर किया है फाइबर से, तो ये फाइबर्स पैनल आपने कई वीडियो में भी देखे होंगे, मैं आपको साइड में वीडियो दिखला देता हूँ, वो रैकलिंग करते हैं, मतलब आवाज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो पुश आप कीजिएगा तो वो फिट एंड फिनिश जो एक प्रीमियम लेवल का होना चाहिए वो इसमें नहीं है। हो सकता है बाद में इसे हमें खोल करके इसे डबल टेप डाल करके या कुछ ऐसा जुगाड़ करके इसे सेट करना पड़े, तो बार बार वो आवाज़ करना वो काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। तो वो चीज़ें मतलब इस लेवल की बाइक से मतलब उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इसमें इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इन लोगों ने कुछ डिज़ाइन वैसा बना दिया है कि ये थोड़ा सा जो प्लास्टिक मटेरियल या फाइबर मटेरियल है उसमें थोड़ी सी साउंड वगैरह है, तो वो चीज़ें आपको बाइक चलाने में थोड़ा सा इरिटेशन फील हो सकता है कि इतनी महंगी और प्रीमियम बाइक चलाने के बाद भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए तो ये अच्छी बात नहीं है। एग्जॉस्ट की डिज़ाइन की अगर बात करें तो एग्जॉस्ट जो है इसका थोड़ा सा मतलब बाइक के कैरेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा। पुरानी वाली तो करिश्मा में काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट आता था लेकिन उतना भी नहीं कर रहा, इसमें थोड़ा सा मतलब और अगर अपसाइड इंक्लाइंड भी रहता और थोड़ा सा और बड़ा होता तो वो काफ़ी अच्छा लगता देखने में, बाइक के कैरेक्टर के हिसाब से मैच कर जाता। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अंडर बेली एग्जॉस्ट इसमें दिया हुआ है, तो इसमें क्या है मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें पिलियन के साथ आप राइड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो हाई साइड पे जो ब्रेकर्स होते हैं तो स्पीड ब्रेकर्स पे हो सकता है कि ये बाइक, क्योंकि जब पिलियन इस पे बैठेंगे तो जो बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है थोड़ा और कम होगा और उसके वजह से वो अंडर बेली एग्जॉस्ट जो है वहाँ पे टच हो सकता है, क्योंकि पुरानी वाली करिश्मा में इस तरह का डिज़ाइन नहीं था तो कभी भी मतलब स्पीड ब्रेकर्स वगैरह पे गाड़ी टच होने का टेंशन हम लोगों को नहीं रहता था, जबकि मैंने पल्सर और भी दूसरी बाइक्स चलाई हैं तो वो मतलब पिलियन के साथ क्या अगर आप सिंगल राइड भी चल रहे हैं तो स्पीड ब्रेकर में कहीं कहीं पर गाड़ी टच हो जाती थी, करिश्मा में वो चीज़ नहीं था, लेकिन इस वाली गाड़ी में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्विंग आर्म इन लोगों ने दिया है, ये जो स्विंग आर्म है ये पुराने मॉडल की तरह आता है, जो रेगुलर स्विंग आर्म जिसको बोलते हैं, तो ये चीज़ ये लोग अगर एल्युमिनियम स्विंग आर्म दे देते ये बड़ा अच्छा रहता, क्योंकि गाड़ी का इन लोगों ने ट्रेलिस फ्रेम दिया है पूरा, मतलब एक रेस बाइक की तरह इन लोगों ने डिज़ाइन किया है इसे, तो उसमें स्टेबिलिटी वगैरह के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बीच में ये बोल्ट हमेशा लूज़ होता था पुरानी वाली करिश्मा में, उसका स्विंग आर्म का जो बुश है काफ़ी महंगा आता था, 320 रुपये का एक बुश आता था और वैसे 5 बुशेज उसमें लगते थे, तो वो सारी चीज़ें चेंज करानी पड़ती थी, और अगर आप उसे लूज़ छोड़ देते थे तो जब आप पिलियन के साथ राइड कर रहे होते थे या सिंगल भी, तो आप जब भी अग्रेसिवली कॉर्नर को अप्रोच करना चाहते थे तो पूरी बाइक मतलब स्केरी टाइप से शेक हो जाने लगती थी और उसमें काफ़ी मतलब कंट्रोल गाड़ी के छूटने लगते थे रोड पर से, तो वो एक बहुत डेंजरस चीज़ है, तो इसमें लोगों को एल्युमिनियम स्विंग आर्म मेरे ख्याल से यूज़ करना चाहिए था, यामा की तरह जैसे, अब यामा में तो खैर लिंक टाइप सस्पेंशन आता है वो एक बहुत एडवांस चीज़ यूज़ करते हैं जो कि मोटो जीपी में यूज़ होती है, उतना मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक नॉर्मल एल्युमिनियम स्विंग आर्म अगर इस पे सेटअप डालते ये लोग तो वो बहुत अच्छा रहता। कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो चैन स्टे का जो एडजस्टमेंट है तो ये इन लोगों को थोड़ा सा मतलब एडवांस देना चाहिए था, जैसे कि पल्सर या KTMs वगैरह में आता है उसमें नंबर्स लिखे रहते हैं यहाँ पे और उसके हिसाब से आप दोनों साइड के जो चेन का एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा शुरू से दिक्कत होता है कि चैन स्टे को मिलाने में और उसकी वजह से क्या होता है कि चैन अगर आपके सही से मिली हुई नहीं रहेगी मतलब स्ट्रेट अलाइन नहीं रहेगी तो उसमें चैन टूटने का प्रॉब्लम आता है, या चैन अगर आपकी बहुत स्ट्रांग है नहीं टूट रही है तो उसमें क्या होगा कि हल्का जो डिस्क पैड है आपका वो तिरछा होने की वजह से वो घिसने लगता है, ये सारी प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ों को लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि अच्छा से मतलब एडजस्टमेंट का हिसाब अगर ये लोग बनाते, कुछ ऐसा बोर्ड देते जिस पर नंबर वगैरह लिखा रहता और वो हम लोग एडजस्ट कर पाते तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। खैर अब देखते हैं कंपनी धीरे धीरे क्या इसमें अपग्रेड करती है। मैं आपको टेल लाइट के बारे में बताता हूँ, टेल लाइट इन लोगों ने बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया है, इसका जो मतलब ऊपर तक आपका इल्यूमिनेशन इसका दिखता है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है ना कि ये ब्रेक होने का चांस बहुत ज़्यादा है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो ग्रैब रेल इन लोगों ने अगल बगल दिया है तो ये बीच में एक गैप दे दिया है, उसमें क्या होगा कि जब भी हम पिलियन को साथ में लेकर के चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सबके पास बैग रहता है आजकल, तो बैग जो है उसका जो प्रेशर पड़ेगा अगर आप ब्रेक स्पीड ब्रेकर पर या कहीं पर भी, तो वो बीच में लाइट के जो टेल लैंप है उस पर पूरा प्रेशर आ जाएगा बीच में ये गैप रहने की वजह से। अगर ये ग्रैब रेल पूरा कोई पुरानी वाली करिश्मा के मॉडल की तरह रहता, अगर जो करिश्मा आर में था या और भी कोई उस तरह का ये लोग डिज़ाइन बनाते तो वो इसे टेल लैंप को प्रोटेक्ट कर देता, पता नहीं लोगों ने क्यों इस तरह का डिज़ाइन दिया है, लेकिन ये ब्रेक होने का ज़्यादा चांस है मेरे हिसाब से, तो इस चीज़ को हो सकता है बाद में हम लोग आफ्टर मार्केट कुछ इसका उपाय निकालें या कंपनी खुद इसे चेंज करके बाद में दूसरा डिज़ाइन दे तो वो एक अलग चीज़ है। ब्रेक्स इन लोगों ने ओवरऑल ठीक ठाक बनाया है, डुअल चैनल ABS हमें देखने को मिल जाता है,
और ये अच्छी चीज़ है। लेकिन पुरानी वाली करिश्मा अगर आप याद करें तो उसमें जो मास्टर सिलेंडर है और ये जो कैलिपर है वो आपका निसिन का आता था, और उसकी खास बात ये होती थी कि वो बहुत, उसका बाइट बहुत अच्छा था। मतलब आप सिंगल फिंगर से अगर आप ब्रेकिंग करते थे तो बाइक पूरी कंट्रोल हो जाती थी। आपने मेरे पिछली वीडियो में भी, अगर आपको याद हो तो आपने देखा होगा, मैं आई बटन पर उसका भी लिंक दे दूँगा, उसमें सारी डिटेल्स मैंने बताई हैं ब्रेकिंग के परफॉर्मेंस के बारे में मैंने बताया था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो है बाइब्रे के कैलिपर्स दिए जा रहे हैं। अभी बजाज में अगर आप देखें तो बजाज भी अपने कैलिपर्स को अपग्रेड करके ग्रेमिका के कैलिपर्स यूज़ कर रहा है, जो कि मतलब मोटो जीपी रेसिंग वगैरह में उसके इक्विपमेंट्स ग्रेमिका के ब्रेक्स मतलब यूज़ होते हैं। और इसी तरह पहले जो हमारे पार्ट्स आता था वो निसिन का आता था, निसिन का ब्रेक का कैलिपर होता था, निसिन का मास्टर सिलेंडर होता था, और निसिन भी एक काफ़ी मतलब वर्ल्ड में नामी ब्रांड है जो रेसिंग्स पे अपने इक्विपमेंट्स बना के देता है। तो उसकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती थी। अभी यामा में भी आपने देखा होगा कि R15 में उसका जो मास्टर सिलेंडर है उसे अपग्रेड करके निसिन का मास्टर सिलेंडर दिया जा रहा ताकि ब्रेक की बाइट अच्छी हो सके। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा इन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि पहले वाले इसके जो करिश्मा के मॉडल्स थे सब में निसिन का कैलिपर और निसिन के जो मास्टर सिलेंडर है वो यूज़ होते थे। अब इन लोगों ने अब कॉस्ट कटिंग वजह से किया है या किस वजह से किया मुझे नहीं पता, लेकिन आपको निसिन की तरफ जाना चाहिए था, उसमें मतलब ब्रेक का बाइट वगैरह ज़्यादा अच्छा मिल जाता। हेडलैम्प के डिज़ाइन में एक कमी मुझे दिखी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये फ्रंट से देखने में बहुत ही अच्छा लुक है इसका हेडलैम्प का, लेकिन अगर आप साइड से देखें तो साइड का जो ये एरिया है थोड़ा सा, मतलब ये जो एरिया इन लोगों ने किया है ये थोड़ा सा डिज़ाइन पसंद नहीं आया, मतलब कुछ अनफिनिश्ड टाइप का यहाँ पर लगता है। और अगर इन लोगों ने इसे अंदर से फिक्स नहीं किया होगा और अगर ये हेडलैम्प के ऊपर सिर्फ यहाँ तक आपका जो वाइज़र का काउल है आया होगा, इसमें आगे आने वाले डेट में वाइब्रेशंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जब भी आप थ्रॉटल लेंगे तो वो एक अलग सा रैकलिंग साउंड उसमें से आना शुरू हो जाएगा। और अगर ये लोग पुराने वाले जो यामा R3 आती थी उस टाइप से अगर यहाँ पर कोशिश करते हैं कि तो बहुत सिमिलर वो डिज़ाइन वहाँ पर हो जाता रिवर्स इंक्लाइंड हेडलैम्प का, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बाइक के करेक्टरिस्टिक में और एग्रेसिव चीज़ वो शामिल हो जाती। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पे हैंडल में चाबी के बगल में आपने देखा होगा कि क्लिप ऑन हैंडल पे इन लोगों ने USB चार्जिंग पॉट दिया है। लेकिन इसका जो इन लोगों ने कवर किया है, इसके ऊपर जो कवर लगाया है वो मुझे उतना मतलब अच्छा क्वालिटी का और अच्छा मतलब क्या बोलते हैं इंसुलेशन के साथ नहीं लगा कि मतलब वो पानी को अंदर जाने से रोक पाए। अब जाहिर से बात है कि इन लोगों ने इसे बनाया है तो गाड़ी का ये वायरिंग का ही पार्ट होगा, तभी इस पे जो है करंट सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से अगर पानी जाएगा वो वायरिंग को डिस्टर्ब कर सकता है और कई सारी चीज़ें आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है गाड़ी के वो ख़राब हो सकते हैं। और इस चीज़ को इन लोगों को प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि इसमें हाई स्पीड पे भी पानी ना जाए, तो इसका जो इंसुलेशन है वो बहुत अच्छा करना चाहिए। फुटपेक्स अगर आप देखें तो ये वाला जो आपका राइडर के लिए जो फुटपेक है वो आपका जो पुराना ZMR आता था या फिर जो लेटेस्ट जो करिश्मा और ZMR भी आए थे तो उसमें ये वाला आपको देखने का ऑप्शन मिलता था। इस पर रबर की कुशनिंग थी, पिलियन के साथ भी इन लोगों को रबर की कुशनिंग देनी चाहिए थी फुटपेक पे, क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा होता है राइडर के कंपेरिजन में। इसके हाइप की कि लोगों ने जो बनाया हुआ है एक विंडशील्ड का एडजस्टमेंट वाला सिस्टम, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो विंडशील्ड एडजस्टमेंट का ये लोगों ने बनाया हुआ है, इसमें क्या है कि आपका, अगर आपको याद होगा कि पुरानी वाली जो भी करिश्मा थी चाहे ZMR हो या करिश्मा R हो, थोड़े दिन के बाद उसमें विंडशील्ड से इतनी ज़्यादा मतलब नॉइज़ आती थी वाइब्रेशन की कि उसका मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो वही चीज़ अब इसमें क्या है कि वो तो फिक्स्ड वाला विंडशील्ड था, अब ये फिक्स्ड नहीं है। आप सोचिए कि इसमें आप को इन लोगों ने सिस्टम दे दिया है कि दो स्टेप आप एडजस्ट कर सकते हैं, एक मतलब ऊपर जा सकते हैं एक नीचे जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें गैप होगा तभी वो एडजस्टमेंट हो रहा है। तो अब वो गैप के वजह से कल के डेट में कितना ज़्यादा वाइब्रेशन उस पर आज आने वाला है ये तो वो बाइक पुरानी होगी तभी पता चलेगा। हो सकता है उसे हमें मतलब कुछ ऐसा उपाय करना हो कि वो फिक्स हो जाए, तो उस टाइप की चीज़ें हमें करनी पड़ सकती हैं। हॉर्न के मामले में हीरो ने शुरू से कंजूसी की है, और देखा जाए तो लगभग जितने भी इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं या फिर बाहर की जो कंपनियां हैं वो भी अपने लोअर कैपेसिटीज़ बाइक्स में भी अच्छे हॉर्न दे रही हैं। तो कम से कम हीरो को इसमें 210cc की बाइक है और इतना हॉर्न तो देना ही चाहिए, मतलब डुअल सेटअप अगर देते तो हाईवे वगैरह में हमें जो हॉर्न का है वो कमी महसूस नहीं होती जो अभी इस बाइक में। मैं आपको एक बार साउंड भी सुना देता हूँ, आप एक बार साउंड सुन लीजिए इसका, तो आपको भी लगेगा कि इसमें मतलब डुअल हॉर्न का तो सेटअप होना ही चाहिए था।
व्हील का डिज़ाइन इस बार मुझे बहुत पसंद आया। अलॉय का जो इन लोगों का डिज़ाइन है, 17 इंच का व्हील हमें मिलता है फ्रंट में भी, रियर में भी, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि 17 इंच का व्हील मिल रहा है, क्योंकि इसके साथ मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपको आपके टायर्स को लेकर के। कि पिछली वाली जो करिश्मा आती थी उसमें जो 18 इंच के व्हील्स मिलते थे और वो बहुत ज़्यादा मतलब वाइड टायर्स नहीं थे, अभी हमें पीछे में 140 सेक्शन के टायर और आगे में 100 सेक्शन के टायर मिल रहे हैं। तो इसमें मार्केट में बहुत सारा ऑप्शन है, आप मेडजलर के टायर्स पे यूज़ कर सकते हैं, मिशलिन का रोड पायलट टायर आता है। तो ये सब जो टायर हैं थोड़े से मतलब एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन वो आपकी बाइक के जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो हैंडलिंग है, उसको नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा देगा। तो इन फ्यूचर अगर आप कभी भी चेंज करना चाहें या अपग्रेड करना चाहें तो वो ऑप्शन आपके साथ मतलब इसमें अवेलेबल हैं कि आप वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो इन लोगों ने टेलीस्कोपिक फॉर्क इसमें यूज़ किया है, जो कन्वेंशनल फॉर्क्स हैं, यूएसडी इन लोगों ने नहीं दिया। बहुत लोगों का ये डिमांड है, बहुत लोग चाहते हैं कि यूएसडी फॉर्क दिया जाए, लेकिन देखिए यूएसडी सिर्फ देखने में अच्छा लगता है। यूएसडी फॉर्क्स का क्या है कि बहुत जंकी दिखता है, लेकिन वो ट्रैक फोकस्ड बाइक के लिए होता है। वो जिस कंडीशन के लिए ये बाइक हमें दी जा रही है कि हम स्पोर्ट्स टूरिंग कर सकते हैं, हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर हम लोग करेंगे, सिटी में चलाएंगे, तो ये हमें ट्रैक पर नहीं चलानी है। ट्रैक पर कितने लोग बाइक चलाते हैं? अब जो लोग चलाना चाहते हैं वो लोग चला सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो इसमें अगर USD फॉग का ऑप्शन आए तो मेरे ख्याल से उसे ऑप्शनल रखना चाहिए कि कुछ मॉडल्स पे अगर आप चाहें तो जो USD फॉग्स वाले मॉडल को कुछ ज़्यादा दाम देकर के आप ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी कंपनी की तरफ से, अगर फर्दर कंपनी ऐसा डिसीजन लेती है तो। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ईजी टू मेंटेन रहता है ये फॉग, और इसमें कहीं पर आपको कोई इशू नहीं आएगा मेंटेन करने में। अगर ये ख़राब होता भी है तो बहुत ईजिली कम कॉस्ट पर रिपेयर हो जाता है, जो कि आप USD फॉग से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, उसके पार्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं, हर जगह वो रिपेयर नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये जितना आसानी से आप कहीं पर भी खुलवा के रिपेयर करा लेंगे वो रिपेयर नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब USD फॉर्क की बात हो रही है तो मैं एक चीज़ आपको और बता दे दूँ कि इसमें जो नॉर्मल कन्वेंशनल फॉर्क दिया हुआ है तो इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर कोई बोल्ट वगैरह आपको नहीं दिख रहा है, और उसी तरह आप इस साइड भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कोई बोल्ट्स वगैरह नहीं दिखेगा, और सिर्फ एक बोल्ट आपको यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक फ्लोटिंग एक्सल है। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे सर्विस करने के दौरान या किसी भी मैकेनिक के द्वारा क्या होता है कि जब फॉर्क हम लोग यहाँ से टाइट करते हैं तो जब ओवर टाइट अगर कभी कभी कर दिया जाता है तो इस जगह पर चूँकि ये इसका जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाता है ज़्यादा टाइट करने की वजह से, और यहाँ पर ऑयल सील कटने का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है, या फिर इस पर आपका स्क्रैचेस वगैरह जो इसके जो फॉर्क्स होते हैं उस पर पड़ जाते हैं। तो वो सब चीज़ इसमें नहीं होगी। ये फ्लोटिंग एक्सल इसलिए दिया जाता है ताकि ये ऑटोमेटिकली उसी जगह पे जा करके इस ये रुकेगा जहाँ पर इस जितना डायमेंशन के लिए इसे बनाया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आपको मतलब आपका जो टेलीस्कोपिक फॉर्क है वो ख़राब होने का चांसेस बहुत कम रहते हैं। और इतना ही नहीं, ये मतलब आपका जो काफ़ी मतलब प्रॉपरली वर्क करता है, और इसमें आप कह सकते हैं कि मतलब जो एग्जैक्ट सेटअप होना चाहिए सस्पेंशन का वो सेटअप आपको इसमें मिलता है, जिसकी वजह से आपकी राइड की कंफर्ट और राइडिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे राइडर हैं जो मतलब बाइक को सिर्फ चलाना पसंद नहीं करते बल्कि आप खुद से सर्विस भी करना आपको बहुत पसंद है, तो उसके लिए आपके जो करिश्मा है नई वाली XMR, उसमें बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए हुए हैं। कंपनी ने क्या किया है कि इतना इजी टू मेंटेन बनाया है कि आप घर पे इसे आराम से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये इंजन के ऊपर आपका ये ऑयल फिल्टर का एक कैप लगा हुआ है। जाहिर सी बात है, जब भी इंजन ऑयल चेंज होगा तो इसमें ऑयल फिल्टर चेंज होता है। तो ऑयल फिल्टर को चेंज करने के लिए आपको वाइज़र वगैरह खोलने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ बोल्ट्स आपको खोलने होंगे और उसके बाद ये कैप बाहर आ जाएगा, और वहीं से आप ऑयल फिल्टर को निकाल करके दूसरा रिप्लेस करके लगा सकते हैं। और इसी तरह इन लोगों ने क्या किया है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ऊपर में आप फ्यूल टैंक के ऊपर देखिए तो एक आपको यहाँ पे कैप दिख रहा होगा, ये वाला कैप, इसको आप यहाँ एक एलन की मदद से खोल सकते हैं, और इसमें आप रीच कर पाएंगे इसकी बैटरी। और बैटरी खोलने के लिए आपको पूरा सीट और कॉल्स वगैरह खोलने की और ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपकी बैटरी बाहर आ जाएगी। बैटरी के नीचे इन्होंने स्पार्क प्लग का सेटअप दिया हुआ है, तो आप इन केस अगर आप सर्विस करने के दौरान स्पार्क प्लग अगर आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो भी आप कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इसमें कूलेंट चेंज करने के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका जो बॉटल है, ये कूलेंट का कैन है, और ये कूलेंट इतनी मतलब बेहतरीन जगह पे ये प्लेस किया हुआ है यह कैन कि इन केस कभी अगर क्रैश वगैरह भी होता है तो कूलेंट आपका बहेगा नहीं, उतना दूर इम्पैक्ट पहुंचेगा ही नहीं। मतलब इन्होंने ट्रेलिस फ्रेम जो इसका डिज़ाइन किया है, इस तरह से डिज़ाइन किया है कि उसके अंदर में ही इन्होंने कूलेंट का सेटअप दे दिया है। और जैसे ये हैंडल को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे तो ये जो कैप है, ये कैप आराम से रीचेबल हो जाएगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके
आराम से कूलेंट वगैरह भर पाएंगे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी इस गाड़ी में की गई हैं, खासकर जो लोग खुद से घर पे सर्विस वगैरह करना पसंद करते हैं तो उनको काफ़ी मज़ा आने वाला है। यहाँ पर ये जो DOHC लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये इसका यूटिलिटी बॉक्स है। आई होप इसमें जो एयर फिल्टर वगैरह है वो सीट के नीचे होना चाहिए, तो उसकी जानकारी अभी मुझे नहीं मिल पाई है। मेरे पास जब बाइक आएगी या शोरूम में अवेलेबल होगी तो उन लोगों से जानकारी लेकर के मैं आपको आगे ज़रूर बता पाऊँगा। तो ये एक कंपनी की तरफ से अच्छा, मतलब मैं डिज़ाइन कहूँगा इस मामले में कि मतलब जो लोग जैसे मेरे टाइप के जो लोग हैं या आप लोग भी जो करिश्मा यूज़र्स हैं खासकर, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि उन लोगों को अपनी बाइक खुद से मेंटेन करने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैं अपनी बाइक को खुद से मेंटेन करूं, तो मैं सर्विस वगैरह घर पर खुद से करता हूं। तो ये चीज़ के लिए बहुत अच्छा इन लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसे कर दी हैं कि इसमें मज़ा आएगा आपको। फ्यूल फिलर कैप का डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें पहली बार ये करिश्मा में देखने को मिल रहा है कि ये हिंज टाइप वाला सिस्टम है। ये तो पहले क्या होता था कि हमें उसे पूरे ओपन करके बाहर निकालना पड़ता था, तब फिर उस पर हम फ्यूल फिल कर सकते थे। अब क्या है कि अभी ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना है, तो हम लोग एक हाथ से मोबाइल यूज़ करते रहते हैं कि हाँ पेमेंट करना है फ्यूल भराने के टाइम पर, और दूसरे हाथ में एक पूरा इंगेज हो जाता है हाथ कि एक हाथ में इसको फ्यूल फिलर कैप को पकड़े रहना, तो उसको रखिएगा तो टंकी में स्क्रैच वगैरह भी फ्यूल टैंक पर आ सकता है। तो ये चीज़ें इन लोगों ने अच्छी की कि एक हाथ हमारा बिल्कुल फ्री रहेगा, पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, फ्यूल फिल करा सकते हैं इजीली। तो ये सब चीज़ें हैं। बाइक ओवरऑल इन लोगों ने देखिए ठीक बनाई है, मैं कहीं से ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब इन्फीरियर फील हो रही है बाइक, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ये लोग और इम्प्रूव कर सकते थे तो वो एक कस्टमर के लिए बहुत अच्छा USP हो जाता। अभी क्या है कि जब पिछली बार जो करिश्मा लॉन्च हुई थी तो दैट वॉज द बेस्ट बाइक अवेलेबल इन द मार्केट इन दैट टाइम। तो वो चीज़ें एक करिश्मा का मतलब एक कि ये एक पहचान बनी हुई है कि करिश्मा है मतलब आप बेस्ट चीज़ खरीद रहे हैं। तो अभी क्या है कि अभी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र कर रही हैं, तो वो उन सब चीज़ों को कंपनी को धीरे धीरे नोटिस करके ध्यान में रखते हुए बाइक को बनाना चाहिए, ताकि मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं, जो मैंने पॉइंट आउट करके आपको बताई, आप भी अगर रियल में आपने बाइक देखी होगी या देखिएगा फ्यूचर में, तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा जो बातें मैंने बताई, और आप भी उसे देखने के बाद ये डिसाइड कर पाएंगे कि वो चीज़ मतलब इम्प्रूवमेंट की वहाँ पे ज़रूरत है या नहीं। तो ऐसा नहीं है कि देखिए वीडियो शेयर होगी कई जगह जाएगी तो कंपनी तक भी ये सारी वीडियोस या कुछ बातें पहुँचती हैं। जैसे यामा की अगर आप बात की जाए तो यामा में पहले फ्यूल टैंक में वो गैप आने का प्रॉब्लम था तो वो यामा ने रिजॉल्व किया, ब्रेकिंग की जो इश्यू थी वो यामा ने रिजॉल्व किया, तो कस्टमर्स की बात कंपनी सुनती है। तो कुछ चीज़ें जो हम लोग पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, आप भी हो सके तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि कंपनी तक ये बात पहुँचे, तो कंपनी भी इन सब चीज़ों को नोटिस करे और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स देखा आपने जो मैंने आपके साथ डिटेल शेयर की, उससे आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि कंपनी ने गाड़ी हमें देखिए बहुत अच्छी बना करके दी है। नो डाउट एक मतलब नया इंजन का सेटअप हमें मिला है, DOHC सेटअप इंजन है, प्लस उसमें लिक्विड कूलिंग की फैसिलिटी है, सारा कुछ मतलब इंजन अपग्रेड मतलब पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया गया है। ज़्यादातर लोग ये सोच रहे थे, मैं भी यही सोच रहा था कि जो गाड़ी अब आएगी हीरो की तरफ से करिश्मा XMR, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग करेंगे कि जो एक्सपल्स वाला जो इंजन है उसको रीट्यून करके हमें करिश्मा के रूप में दिया जाएगा। लेकिन एक बहुत अच्छा काम लोगों ने ये किया कि एक नया इंजन इन लोगों ने बना दिया, और एक बहुत मतलब अच्छा इंजन आप कह सकते हैं, मतलब उस 210cc के सेगमेंट में अगर आप देखिएगा तो उतना पावर निकाल के कोई भी इंजन जो कि नहीं दे रहा है, चाहे वो आप पल्सर की बात कर लें, R15 तो खैर 150cc में है, लेकिन वो जनरली उसका कंपेरिजन शुरू से 200cc के साथ होता आया है। तो बात यहाँ पर ये है कि आप दे रहे हैं अभी लगभग 1,73,000 के आसपास प्राइस है करिश्मा का, जो कि आगे अपग्रेड होगा। जहाँ तक सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो USD फॉर्क का रहा है, तो USD फॉर्क मैंने आपको बताया कि उतना ज़रूरी नहीं है, हाँ अगर ऑप्शनल कंपनी देती है तो वो बहुत अच्छी बात है, हम लोग उसकी तरफ जा सकते हैं, एक्स्ट्रा प्राइस देके भी जा सकते हैं जिन लोगों को ज़रूरत हो, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा जो राइडिंग कंडीशन होता है उसके हिसाब से मैं नहीं कहूँगा आपको कि USD फॉर्क की तरफ जाइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टीफर साइड पे हो जाता है, प्लस आपको वो कंफर्ट करिश्मा वाला नहीं मिलेगा जो कि आपको इस गाड़ी में अभी ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी चीज़ें मैंने पॉइंट आउट करके बतलाई हैं, चाहे वो मतलब बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड हो या डिज़ाइन वाइज हो, तो कंपनी धीरे धीरे अगर इसे अपग्रेड करती है, कंपनी तक अगर ये वीडियो पहुंचती है, बात होती है, तो यामा के भी बहुत सारे फॉल्ट्स हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर से फ्यूल टैंक का इशू आता था, यामा का फ्यूल टैंक बीच से क्रैक हो जाता था, तो वो सारा वीडियो जब शेयर हुआ कंपनी तक बात गई तो कंपनी ने उसका प्रॉपर सॉल्यूशन दिया। हर कंपनी चाहती है कि कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट दिया जाए, और मैं बीइंग अ करिश्मा यूज़र ये मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मतलब कंपनी हम लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट दे जो मतलब बेस्ट है, जैसे कि ये करिश्मा थी अपने टाइम की बेस्ट बाइक थी।
तो हम लोगों को जब बाइक लेनी होती थी, हम लोग आँख बंद करके ऐसे चूज करते थे करिश्मा को कि हम जो खरीद रहे हैं, जिस प्राइस पॉइंट पर खरीद रहे हैं, वो हम बेस्ट चीज़ खरीद रहे हैं। वही चीज़ मैं अभी भी कंपनी से मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ कंपनी हमें दे रही है, तो भले थोड़ा सा प्राइस और हमें देना पड़ जाए, लेकिन जो क्वालिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी है, उससे कंपनी कंप्रोमाइज़ कहीं भी नहीं करे। तो चलिए, मेरे तरफ से वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसी लगी, और जैसे ही आपके पास बाइक अवेलेबल होती है तो आप जा करके सबसे पहले टेस्ट राइड लीजिए, देखिए आपके लिए बाइक चलाने में कैसी है। बिना कोई भी बाइक आप खरीदें, चाहे करिश्मा खरीदें या दूसरी कोई भी बाइक लीजिए, राइड करके देखना ज़रूरी है, क्योंकि हर राइडर का राइडिंग स्टाइल और राइडिंग कंफर्ट अलग होता है। तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जो भी बाइक अपने लिए चूज़ कर रहे हैं उसको चला करके देखिए। जैसे ही शोरूम में हमारे टाउन में गाड़ी आती है, तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि अपना एक राइड रिव्यू, एक राइड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करके दूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए। थैंक यू।